प्रधानमंत्री मोदी अब से बस थोड़ी ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं कीव। दुनिया भर की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई हैं, और क्यों टिकी हुई हैं, क्यों ये दौरा बेहद खास है, अब आपको हम वो बताएंगे। दरअसल ग्लोबल लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में पीएम मोदी अब कभी भी पहुंच सकते हैं कीव। आपको बता दें कि दुनिया की नजर टिकी हुई है ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शांति दूत की भूमिका पीएम मोदी निभाते हैं। रूस से काफी करीबी संबंध, इसका जिक्र भी हम कर रहे थे, करीब करीब डेढ़ महीने पहले जब पीएम मोदी रूस गए थे, वहां पर रूस में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। रूस से काफी ज्यादा संबंध करीबी भारत के हैं, लेकिन अब यूक्रेन से कूटनीति जुड़ाव भी भारत का देखने को मिलने लगा। यही वजह है कि इस यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। यूरोप से संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूक्रेन को युद्ध विराम की उम्मीद है। पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं युद्ध विराम की उम्मीद है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों के बीच में कुछ मध्यस्थता को लेकर बात करें। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई है। कीव में जगह जगह पर एसपीजी टीम की तैनाती कर दी गई है। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान को मुस्तैद कर दिया गया है। कीव में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि इसी बीच एक और अहम घोषणा की गई है रूस की तरफ से कि आज रूस कोई भी अटैक नहीं करेगा, कोई भी मिसाइल रूस अपनी तरफ से आज नहीं दागेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यूक्रेन में रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे से जुड़ी हुई। इसके पहले पीएम मोदी पोलैंड में रहे, वहां की तस्वीरें हमने देखी, प्रधानमंत्री मोदी का कैसे स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की धरती पर होंगे, अब से थोड़ी ही देर में कीव पहुंचेंगे, और वहां पर जगह जगह सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ समय पहले जब रूस की यात्रा की थी, और उस दौरान भी शांति का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे, और इसलिए अब जब यूक्रेन के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं तो यूक्रेन का दौरा क्यों बेहद खास ये है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जगह जगह सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी की तैनाती कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस ट्रेन में सवार हैं, 10 घंटे की यात्रा जिस ट्रेन से कर रहे हैं, वो भी अपने आप में सभी सुरक्षाओं से लैस वो ट्रेन है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि यूक्रेन के दौरे पर हैं, लेकिन ये दौरा अहम क्यों है, खास क्यों है, अब आपके लिए वो जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि रूस यूक्रेन में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा से युद्ध विराम पर बातचीत संभव है। गुट निरपेक्षता विरासत को आगे बढ़ाने का मौका इस यात्रा से होगा। वैश्विक शांति निर्माता बनने का एक अवसर, तनाव के बीच में संबंध संतुलन करने की कवायद भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होगी। आपको बता दें कि दुनिया की भारत को कूटनीतिक बढ़त भी अब देखने को मिल रही है, क्योंकि पीएम मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम कूटनीति में भरोसा रखते हैं, हम युद्ध में भरोसा नहीं रखते, हम शांति में भरोसा रखते हैं, हम शांति का संदेश देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वजह यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन के दौरे पर होंगे तो पूरे विश्व की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर, और किस किस से पीएम मोदी की क्या मुलाकात होती है, क्या बातें होती हैं, रहने वाली है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने वाले हैं। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। युद्ध की धरती पर बुद्ध का संदेश पीएम मोदी देंगे। यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच में डिफेंस सेक्टर पर चर्चा हो सकती है, इस बात की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद जब कीव पहुंचेंगे, उनका स्वागत वहां पर होगा। हमने क्योंकि देखा जब जब पीएम मोदी जब भी जिस विदेश यात्रा पर जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कैसे स्वागत किया जाता है, वो तस्वीरें वाकई हर एक भारतीय को गर्व से सीना चौड़ा करने वाली तस्वीरें होती हैं। और अब जब पीएम मोदी यूक्रेन यात्रा पर पहुंच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, और कहीं ना कहीं भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की भी कोशिश कर रहा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन पहुंचेंगे, और वो तस्वीरें कीव से जब उनका स्वागत यहां पर किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले जब प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचे थे, और रूस में भी उसी बात का जिक्र हुआ था, और रूस पर भी पूरे विश्वभर की निगाहें इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध के, वो काफी ज्यादा
भयावह। काफी महीनों से युद्ध लगातार चल रहा है, लेकिन अब इस यात्रा से भारत की कूटनीति से क्या हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश है, इसके पहले भी कई बार दे चुके हैं, कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से समाधान संभव है, ना कि युद्ध से। और भारत समाधान में, बातचीत में, समाधान में भरोसा रखता है। भारत एक इकलौता देश है जिसके रूस से भी संबंध अच्छे हैं और यूक्रेन से भी संबंध अच्छे। अभी 1.5 महीने पहले ही रूस प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी की जब मुलाकात हुई थी, इस बात का जिक्र आया था। रूस के साथ आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते अच्छे हैं। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के साथ कूटनीतिक गहरा जुड़ाव है। भारत की आर्थिक मजबूती पर क्योंकि दुनिया भर की नजरें हैं, क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसकी बहुत ज्यादा बुराई तमाम और देशों से नहीं है। अगर रूस यूक्रेन किस वक्त हम बात करते तो रूस यूक्रेन दोनों ही देशों से भारत के संबंध अच्छे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध अच्छे हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रूस यात्रा थी, 2014 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें पिछले महीने यानी कि जुलाई में रूस का दौरा पीएम मोदी ने किया था और साल 2019 के बाद ये उनकी रूस की पहली यात्रा थी। और आज यूक्रेन पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब पीएम मोदी रूस पहुंचे थे वो समय बहुत ज्यादा क्रूशियल था, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के बड़े मिसाइल हमले हुए थे उस दौरान भी, और कई लोग उस दौरान भी मारे गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद कीव पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल जो कि हर किसी के मन में इस वक्त बना हुआ है, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन पहुंचेंगे, जब यूक्रेन की धरती कीव में होंगे, तो क्या ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का गेम चेंजर साबित होने वाला है? इस यात्रा का मुख्य एजेंडा आखिर क्या है? ये कई सारे सवाल लगातार लोगों के मन में इस वक्त उठ रहे हैं कि इस दौरे से क्या मिलने वाला है भारत को, उसका जिक्र हम यहां पर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा क्या गेम चेंजर साबित होगा, इस दौरे का एजेंडा आखिर क्या होगा, वो आपको अब हम बताएंगे। दरअसल युद्ध विराम, आर्थिक कूटनीति, तीन अगर पॉइंट, चार पॉइंट की अगर हम बात करें तो आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक और युद्ध विराम, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा गेम चेंजर के तौर पर साबित होने वाला है। क्योंकि रूस से भी संबंध अच्छे हैं प्रधानमंत्री भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उतने ही अच्छे संबंध यूक्रेन के भी प्रधानमंत्री से हैं और भारत से हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो दौरा होगा वो एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। आर्थिक की बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, कूटनीतिक और युद्ध विराम, युद्ध विराम इस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं उम्मीद है यूक्रेन को भी, कई सारी खास उम्मीद है इस दौरे से, और कहीं ना कहीं रूस को भी कई सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रूस की, तो रूस में भी, भारत के बीच में और रूस के बीच में इन दिनों व्यापार काफी ज्यादा बढ़ा है। और अगर अब हम बात करते हैं यूक्रेन को, यूक्रेन को पीएम मोदी के इस दौरे से क्या उम्मीद है, क्योंकि पीएम मोदी की बात मानेगा रूस, ये यूक्रेन को उम्मीद है कहीं ना कहीं, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा भी किया था। युद्ध का हल इस दौरे से निकल सकता है, सीज फायर पर भी हो सकता है, उम्मीद है इसको यूक्रेन को कि कोई बात बन सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिनका लोहा हर कोई मानता है। जब रूस प्रधानमंत्री मोदी गए थे उस दौरान हमने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सत्कार की तस्वीरें देखी थी, और अब आज जब यूक्रेन पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को कई सारी उम्मीदें हैं। भारत पर दुनिया को भरोसा भी अब धीरे धीरे क्योंकि बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, इसके अलावा रूस से दशकों पुराने रिश्ते मजबूत हैं, रूस से इस रिश्ते काफी अच्छे हैं, और हाल ही के दिनों में व्यापार भी भारत के बीच में और रूस के बीच में काफी ज्यादा बढ़ा है। तो यूक्रेन को भी कई सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए। ऐसे में ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ज्यादा इस दौरे से हैं। जो जानकार हैं वो इसका जिक्र करते हैं कि 1991 के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया। भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया के नजरें बनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र है कि भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की पूरी पूरी कोशिश भी इस यात्रा में करने वाला है। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे तो क्या इस दौरे के दौरान भारत रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच में संदेशों के आदान प्रदान के लिए भी
सामने आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी या नहीं, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है इस यात्रा का ये हिस्सा होने वाला है या नहीं, लेकिन जो जानकार है वो इस बात का जिक्र करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो कि आज मनाया जा रहा है, इस पर जब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, व्लादिमीर पुतिन को इशारा करती है कि भारत यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करता है। तो एक तरफ जहां रूस, उससे संबंध भारत के पक्के हैं, और वहीं जब आज प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंच रहे हैं और आज यूक्रेन में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जा रहा है, और जब इस दिन पीएम मोदी पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश मिलेगा रूस को कि भारत यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करता है, भारत अपने रुख पर कायम है और एक नीति के तौर पर युद्ध भारत के लिए अस्वीकार्य है और हमेशा रहेगा। तो देखिए, लगातार जो है वो भारत पर दुनिया को भरोसा है और भरोसा ये बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। रूस की बात करें तो रूस से दशकों पुराने जो रिश्ते हैं वो और मजबूत हुए हैं, व्यापार के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। अगर हम बात करें यूक्रेन की संप्रभुता का, तो यूक्रेन की संप्रभुता का भी सम्मान, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो कि आज यूक्रेन में मनाया जा रहा है और इस दिन पीएम मोदी का पहुंचना कहीं ना कहीं इस बात का संदेश देता है। रूस यूक्रेन दोनों के लिए भारत काफी ज्यादा अहम है, दोनों देशों के दरवाजे भारत के लिए खुले हुए हैं और हमेशा शांति के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से इस बात की पीएम मोदी जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि भारत कभी युद्ध का पक्षधर न था न रहेगा, हमेशा शांति का पक्षधर भारत है और हमेशा रहेगा। पुतिन के बाद जेलेंस्की को शांति का संदेश पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे। जब रूस पीएम मोदी पहुंचे थे उस दौरान भी पीएम मोदी ने रूस की धरती से शांति का संदेश दिया था और अब आज जेलेंस्की को पीएम मोदी शांति का संदेश देते हुए नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व पर ग्लोबल ट्रस्ट, लोगों का जो ट्रस्ट है, भरोसा है, वो बढ़ रहा है। पीएम मोदी के कीव दौरे से अमेरिका को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि अमेरिका ने पीएम मोदी की यात्रा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस यात्रा पर ना सिर्फ रूस की नजरें हैं बल्कि पूरे विश्व भर की नजरें लगातार टिकी हुई हैं।